नारायणगढ़ की हनुमान वाटिका में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा होली मिलन व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें भाजपा नेत्री व गेल की पूर्व डायरेक्टर बंतु कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री सुमन सैनी व नगर पालिका चेयरपर्सन रिंकी वालिया, उप चेयरपर्सन आईना गुप्ता सहित भारी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। कार्यक्रम का शुभारम्भ दीप प्रज्वलित करके किया गया। मुख्य अतिथि द्वारा होली व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गयी। याद किया जाए या अनुभव किया जाए तो नारी के पेट में जो बच्चा 9 महीना अलग से महसूस करता है उसका अनुभव एक महिला ही दे सकती है, वो पुरुष नहीं दे सकता। क्योंकि पुरुष को ये सौभाग्य दिए ही भगवान ने, तो आप कह सकते हैं अगर भगवान ने भी कभी आना पड़े तो वो नारी की परमिशन लेकर आता है। तभी कहा जाता है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। और आज अगर हम बात करें आज की नारी, हम देश के 1947 में हम आजाद हुए, तो उस आजादी के लिए अगर हम देखा जाए 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं और हमें जीना सिखाया उस 75 साल में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सिखाया। 2014 में जब केंद्र में देश के प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली और लाल किले से बोलते हुए कहा कि मैं छोटा व्यक्ति हूँ, छोटे छोटे काम करता हूँ और हरियाणा की स्थिति तब थी यहाँ महिलाओं की संख्या तब कहीं जाके 1500 की थी। पूरे भारत वर्ष में हरियाणा सबसे कम संख्या में था और आज हम हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पानीपत में आकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा था कि बेटियां आप पैदा करो, उसकी हेल्थ, उसकी सुरक्षा, उसकी शिक्षा और उसकी शादी का 5 चीजों का ध्यान न रखूंगा ये मेरी जिम्मेवारी है। वो कैसे रखा अगर बेटी की शादी हो, बेटी जन्म ले तो 2500 रुपए उसके खाते में उसी दिन जमा हो जाते हैं। अगर बेटी की शादी हो 51,000 रुपए उसकी शादी पे मिल जाता है। अगर बेटी के साथ कोई अनहोनी हो तो महिला थाने हमने खोल दिए हैं। अगर महिला के साथ कोई अत्याचार हो तो कोई भी रेप या कोई वो करे तो हमने फांसी का प्रावधान भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। तो इतनी सारी योजना और मदर कप की अगर मैं बात करूं, अगर कोई बहन गर्भवती हो और उसका कार्ड सरकारी हॉस्पिटल से हो तो 6,000 रुपए भारत सरकार उसको देती है ताकि उसका बच्चा हष्टपुष्ट पैदा ना हो, पैदा हो तो पोषण का शिकार ना हो।